वाह यार, एक ऐसी मूवी देखी जिसे देख के दिल खुश हो गया। मैं बात कर रहा हूँ महाराज मूवी के बारे में, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज की गई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ भाई, मूवी वाज रियली गुड। इवन इस मूवी में जो स्टोरी देखने के लिए मिलती है वो ट्रू स्टोरी से इंस्पायर है। मूवी में आप लोगों को जाने पहचाने एक्टर जयदीप देखने के लिए मिलते हैं। जब मैंने इस बंदे को मूवी में देखा तो भाई मुझे लगा कि आखिरकार इस बंदे को ये रोल क्यों दिया गया। क्योंकि पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, राइट। स्टोरी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है 80s के टाइम की, जब इंडिया के ऊपर अंग्रेजों का राज था। उस टाइम में स्टोरी देखने के लिए मिलती है करसन दास के ऊपर, जिसके मन में बचपन से ही बहुत सारे सवाल पैदा होते थे कि भाई ये चीज क्यों है, वो चीज ऐसी है तो क्यों है। इस मूवी का जो मेन हीरो है भाई, इस बंदे ने डेब्यू ही किया है, इसकी पहली मूवी है, और इस बंदे की एक्टिंग भी काफी अच्छी सूट कर रही थी मूवी को, करेक्टर को लेकर के। जहां पे वो रहता था वहां पे एक बहुत बड़ी हवेली थी। ऐसा लोग मानते थे कि भाई वहां पे साक्षात कृष्ण भगवान वास करते हैं। उस हवेली में हम लोगों को एक जे जे नाम का बंदर देखने के लिए मिलता है, यूं मान के चलो भगवान का पुजारी। लोग उसे इतना मानते हैं कि उसे देख लिया तो समझो कि भगवान को देख लिया, इतनी उसकी इज्जत है पूरे शहर में। और लोगों का ये भी मानना है कि भाई वो बंदा जो है कृष्ण का वंशज है। और जब मैंने ये चीज देखी तो मैं सोच रहा था कि भाई यार इस बंदे को ये रोल कुछ सूट नहीं कर रहा है। पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती गई मैं आखिरकार समझ गया कि इस बंदे को ये रोल क्यों दिया गया है, और आखिरकार बहुत अच्छे सूट भी कर रहा था। भाई जे जे नाम का जो बंदा है वो भक्ति के नाम पर भाई लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता था, और एक चीज करसन दास की मंगेतर के साथ होती है तो वो चुप नहीं बैठता है, जे जे के खिलाफ बोलना स्टार्ट करता है, लोगों को अवेयर करना स्टार्ट करता है कि आखिरकार आप किसकी पूजा करते हैं। करसन दास जे जे को सबक सिखा पाता है कि नहीं, ये सारी चीजें आप लोगों को मूवी में देखने के लिए मिलेंगी। मूवी ज्यादा बड़ी भी नहीं है, आपको 2 घंटे के आसपास देखने के लिए मिलती है। और भाई मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मूवी को जैसे देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप मूवी के बीच में पहुंच चुके हो। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि भाई मूवी काफी ज्यादा इंजॉयबल है, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कि भाई कब मूवी खत्म हो गई। और साथ ही में इस मूवी से हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं। ऐसे कि जब कोई आदमी समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है तो समाज के लोग ही उस बंदे के दुश्मन बन जाते हैं। ये चीज जो है ये मूवी बहुत ही बखूबी से दिखाती है। इवन मूवी में आप लोगों को ज्यादातर भगवान और धर्म टाइप की चीजें देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें कि लोग आज तक कंफ्यूज ही रहते हैं। धर्म, भक्ति, भगवान, ये सब जो चीजें हैं डिबेटेबल हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता, सबके अलग अलग थॉट्स हैं। इस मूवी में लोगों का भगवान के प्रति कितना ज्यादा अंधविश्वास रहता है, वो किस किस तरह की चीजें कर जाते हैं भगवान के लिए अंधविश्वास में, वो सारी चीजें जो है ये मूवी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। जैसे कि भाई जे के लिए सारे के सारे जितने भी गांव थे भाई, हर एक कुंवारी लड़की को शादी होने से पहले जे को भेजते थे कि भाई उसके पास जे को भेजेंगे, तो भाई ये एक अच्छा सा शगुन माना जाता था, जो कि भाई मतलब अच्छा तो नहीं है बट लोगों का ऐसा मानना था। तो भाई उस टाइम की जो प्रथाएं थी, उस तरह की जो चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम में, ये मूवी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है। और शायद आज भी इंडिया के किसी कोने में किसी गांव में इस तरह था हो सकती है। भाई आप लोग भी मूवी को देखो और जानो कि रियलिटी क्या है। भाई यही सारी चीज़ें जो है इस मूवी में देखने के लिए मिलती हैं, जो कि भाई बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई हैं। साथ में इस मूवी को भाई आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। इस मूवी को देख के लगा कि भाई मैंने बहुत टाइम बाद कुछ अच्छा कंटेंट देखा है। लिटरली यार आपको पक्का ट्राई करनी चाहिए।